हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम एक नया टॉपिक और एक नया सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी जो है उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो डील करेंगे दैट इज़ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन मेथड्स सो मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होती है और क्या जो है इसका काम जो है बेसिकली इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो होता है तो अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजी जो है बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ द टिश्यूज एंड हाउ दिस टिश्यूज आर अरेंजड इन टू ऑर्गन्स टिश्यूज हम जानते हैं कि टिश्यूज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स एंड आल्सो उनमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो प्रजेंट होता है अलॉन्ग विद डैट कि वो ऑर्गन्स के साथ कैसे इंट्रैक्ट करते हैं ऑर्गन्स में कैसे अरेंज होते हैं एज वी नो कि इस्टोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्राम द लेवल ऑफ इंडिविजुअल सेल थ्रू ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम हम जानते हैं सबसे पहले जो है इंडिविजुअल सेल होती है बहुत सारी सेल मिल के जो है वो टिशूस का फॉर्मेशन करते हैं टिशूज जो है दैन लेटर ऑन ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं सो बेसिक है so, हिस्टोलॉजी के अंदर इस चीज़ की स्टडी दैट इज़ द स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड इट्स इंटरेक्शन विद द ऑर्गनस अगर हम बात करें द वर्ल्ड हिस्टोलॉजी की तो हिस्टो जो है वो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग भी है, जो है वो टिश्यू ही होता है एंड आल्सो एज वी नो कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स के और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बने हुए होते हैं तो टिश्यू का किसी भी टिश्यू का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है उस टिश्यू की सेल्स और उसके एक्स्ट्रा सेलोलर मैट्रिक्स के इंट्रैक्शन के ऊपर कि वो कैसा है और जैसे कि टिश्यू जो है वो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल सेल्स का जो है वो बना हुआ होता है और मैट्रिक्स कंटेंट जो है वो भी उसमें स्मॉल साइज में ही होता है तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है टिश्यूज़ की स्टडी को माइक्रोस्कोप के ऊपर और अदर जो एडवांस बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनके ऊपर कि हम जो है टिश्यूज़ की स्टडी जो है बिना इन टेक्निक्स के जो है वो इजीली और मोर प्रोबेबली कर ही नहीं पाएंगे सो so, हिस्टोलॉजी जो है बेसिकली इस फील्ड से डील करती है अब दो मोस्ट कॉमन और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं वो हमें जनरली सुनने को मिलते हैं दैट इज फर्स्ट इज हिस्टोलॉजी एंड द सेकेंड इज हिस्टोपैथोलॉजी हिस्टोलॉजी का बेसिक मीनिंग यही है कि हम जब माइक्रोस्कोप के थ्रू नॉर्मल टिश्यूज़ के अगर स्टडी कर रहे हैं लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी के केस में जो है हम टिश्यूज़ जो डिजीज से अफेक्टेड हैं उनकी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप सो ये एक बेसिक डिफरेंस है हिस्टोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की और भी जो फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड है उनसे डिफरेंट नहीं है दैट इज़ सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है एनाटॉमी से रिलेटेड है और फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी की जो स्टडी है उसमें भी ये हेल्प करती है दैट इज़ उसमें भी इसका एक जो बेस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सो बेसिकली इन केस ऑफ बी एस सी और एम एस सी सिलेबस हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन मैथड्स जो हैं वो जनरली फाइव मार्क्स टेन मार्क्स और ट्वेंटी मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है सो अकॉर्डिंगली टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमें जो है इसे लिखना होता है कि क्या क्या जो है डेफिनेशन है क्या क्या मैथड्स हैं क्या जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग है उन मैथड्स के एंड द ओवरऑल क्राइटेरिया रिलेटिंग टू देट क्वेशन सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन जैसे कि हमने देख लिया है सो so, अब नेक्स्ट बात आती है कि वाई हिस्ट्रोलॉजी स्टडीड अब बात आती है कि इस्ट्रोलॉजी पढ़ी ही क्यों जाती है क्या एक बेसिक नीड आ गई क्या एक बेसिक uh, जरूरत आ गई सो फर्स्ट थिंग इज़ कि एक जो है हम सेल्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स हैं उनको डायरेक्टली हम हमारी आई से तो देख नहीं पाते विजिबल नहीं हो पाते वो तो वो इमेज जो है वो माइक्रोस्कोप से ही बनेगी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो हमारा आएगा उससे हम एक मेंटल इमेज डेवलप कर सकते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज डेवलप कर सकते हैं कि ये टिश्यू जो है वो ऐसा दिखता है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो अपीयरेंस में ऐसा है देन सेकेंड इज़ टू कोरिलेट द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस विद फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज अब मेंटल इमेज हमारी बन गई हमें पता चल गया दैट इज़ कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यूज जो है ऐसा दिखता है अब उस माइक्रोस्ट स्कोपिक अपेरेंस को हमें रिलेट करना है कि कैसे ये टिश्यू है कैसे ये ऑर्गन है हेल्थ से रिलेटेड है कैसे वो उसको अफेक्ट भी करता है अगर कोई डिजीज टिश्यू है तो वो नॉर्मल टिश्यू से डिफरेंट होगा और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से और हिस्टोपैथोलॉजी जो है टेक्निक है उसके हेल्प से ही हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सो दैट्स वाई हिस्टोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है दैन टू प्रोवाइड अ बेसिस फ़ॉर द लेटर स्टडी ऑफ एनाटोमी एंड पैथोलॉजी इफ़ यू सूज चूज मतलब कि अगर हमें किसी एक स्ट्रक्चर है कोई टिश्यू का स्ट्रक्चर है कोई ऑर्गन है उसकी हमें एनाटोमी देखनी है उसका और भी डिटेल्ड जो है एनालिसिस करना है उस पर और भी अगर रिसर्च करनी है तो हम जो है उसको एक बेस बना सकते हैं हिस्ट्रोलॉजी को उसी के बेस पर जो है हम आगे जो है फर्दर रिसर्च जो है वो कर सकते हैं एंड नोट बस द लास्ट इज़ द इट इज़ बिकॉज इट्स ऑसम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फील्ड ये है बिकॉज इसके अंदर जो है हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रहता है माइक्रोस्कोप जो है उसका यूज़ इसमें रहता है और प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो बहुत की जाती हैं सो so, एक इंडिविजुअल जो है वो इसके अंदर इंगेज जो है वो रहता है उसे इंटरेस्टिंग जो है पार्ट जो है ये फील्ड में लगता है सो अगेन नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ दैट इज़ द फील्ड्स रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी कौन कौन सी फील्ड है जो हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है तो माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी ये हमारी हिस्टोलॉजी ही होगी क्रोस एनाटोमी अगर हम कन, देखें अदर बायोमेडिकल साइंस कोर्सेज़ हैं जैसे कि बायो केमिस्ट्री फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में जो है इसी को ही एक बेस बना के इसी के ही प्रिंसिपल को काम में जो है वो लिया जाता है अब बात आती है प्रिप्रेशन ऑफ हिस्ट्रोलॉजिकल स्पेसीमेंट हिस्ट्रोलॉजिकल स्पेसीमेंट्स बनाने का तरीका तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस कि हिस्ट्रोलॉजिकल मैथड्स जो हमारे होते हैं उसी में ही आता है कि कैसे एक स्पेसीमेंट को जो है वो अलग अलग जो मैथड्स हैं उनसे बनाया जाता है मेन पर्पज़ क्या है इन स्पेसीमेंट्स को चूज़ करने का हम जो है कोई भी डिजीज़ को जो है डायग्नोज कर पाते हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेबोरेटरी uh, के अंदर हिस्टोजोलॉजिकल टेक्निक जो है वो हमारे लैब्स के अंदर ही होती हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक पर्टिकुलर जो है टिश्यू जो है उसको जो है निकाला गया फ्रॉम द लंग्स इन्फेक्टेड लंग्स है अगर तो उसमें से भी हम पूरे उस होल टिश्यू को न लेके उसका एक स्पेसिफाइड और बहुत ही क्लियर जो पीस होगा उसको हम यूज़ में लेके जो है उसको डिटेक्शन जो है उसका करेंगे बहुत सारे स्टेप्स जो है फॉलो ऑन होंगे एंड एट लास्ट जो है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के बाद जो है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है तो बहुत सारे वेरियस प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू उनको किया जाता है बहुत सारे स्पेसिमेंस हैं उनको फिक्स किया जाता है फिर उन्हें डिहाइड्रेट किया जाता है क्लियरिंग की जाती है उनकी एमिडिंग होती है एंड सो ऑन सो हम जो है वन बाय वन उनको पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशंस उनमें होती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इफ़ेक्ट करते हैं एंड सो ऑन सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू फिक्सेशन की टिश्यू फिक्सेशन जो है वो क्या होता है क्यों किया जाता है क्या इसका पर्पज़ है सो so, फिक्सेशन इज़ अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ़ केमिकल इवेंट्स दैट डिफर फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेज फाउंड इन द टिशू अब फिक्सेशन बेसिकली क्या है केमिकल इवेंट्स हैं बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करके हम इस प्रोसेस को करते हैं जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस जो है उनकी अलग अलग प्रोसेस होती है और अलग अलग टिश्यूज़ के लिए वो होती है मतलब कोई टिशू है उसमें अलग अलग मटीरियल्स पाए जाते हैं तो हर उस मटीरियल के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं मेन पर्पस क्या है टिश्यू फिक्सेशन का बेसिकली कि ये जो है केमिकल्स के यूज़ से या फिर मिक्सचर ऑफ केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं उनके थ्रू जो है जो टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है वो बनाए रखते हैं टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है वो इस टेक्निक से प्रिजर्व रहता है जिससे कि फिर हम आगे जो सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट उस टिशू के स्ट्रक्चर को देते हैं मतलब एल्कोहल से अगर ट्रीट हो रहा है या फिर कुछ और जो प्रोसेस हो रही हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म ना हो स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहना चाहिए उसकी मोर्फोलॉजी जो है वो सेम रहनी चाहिए जिससे कि रिसर्च में और स्टडी में जो है वो बिल्कुल भी एरर ना आ सके सो so, एक फिक्सेटिव जो है वो जनरली हमारा एक केमिकल होता है तो सबसे पहली चीज़ जो आती है सपोज़ कि हमने कोई टिश्यू है वो एक ऑर्गन से जो है वो रिमूव किया आफ्टर दैट रिमूवल उसमें उस स्पेसिमेन उस, उस को जो है हमें इमीडिएटली जो है जो हमारा फिक्सेटिव है उसके अंदर जो है वो इमर्ज करना होता है उसके अंदर जो है वो एड करना होता है जैसे ही हमने उसे बॉडी में से रिमूव किया फिक्सेशन जो है वो बेसिकली कुछ काम है कुछ यूजेज़ हैं जिसके लिए यूज़ में लिया जाता है फॉर एग्जांपल ये सेल मेटाबॉलिज्म को टर्मिनेट कर देता है ओके okay, और अलोंग विद डैट ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन जो है सेल का वो नहीं होने देता और टिश्यूज़ का जो कि ऑटोलाइसिस के थ्रू होता है ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ डाइजेशन की प्रोसेस है जो तो उसको जो है ये प्रिवेंट करता है मेन अगर हम बात करें सेम कि एम क्या है फिक्सेशन का तो ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल अटैक सेल पे ना हो टिश्यू पे ना हो उसको ये देखता है इसलिए हमें इमेडिटली जो है वो उसे फिक्सेटिव um, जो है उसमें इमर्स करना होता है देन टू फिक्स द टिश्यू सो दे विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम एंड शेप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अगेन मेन क्राइटेरिया जो यही है कि टिश्यू जो है वो फिक्स रहे पूरी एंटायर प्रोसेसिंग के जो टाइम पे जो है उनकी शेप चेंज ना हो टू प्रिपेयर टिश्यू एंड लीव इट इन अ कंडीशन विच अलाउ क्लियर स्टेनिंग ऑफ द सेक्शंस जैसे कि हम ऐसे एक कंडीशन तैयार कर दें कि जो है सेक्शंस की क्लियर स्टेनिंग जो है लेटर ऑन जब हम स्टेन करेंगे दैट इज कलरिंग जो उनकी है वो इजीली और विजिबल हो पाए और क्लियर हो पाए तो फिक्सेटिव उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अगेन प्ले करता है दैन नेक्स्ट इज़ टू लीव द टिश्यू एज क्लोज एज देयर लिविंग स्टेट एज पॉसिबल उनकी लिविंग स्टेट में उन्हें रखना जरूरी है और कोई भी मोलिक्यूल्स जो है स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं वो लॉज नहीं होने चाहिए डिफॉर्मेशन जो है उनमें नहीं होने चाहिए फिक्सेशन इज कमिंग बाई रिएक्शन बिटवीन द फिकेटिव एंड द प्रोटीन विच फॉर्म्स अ जेल प्रोटीन जो है वो आपके टिश्यू में प्रेजेंट होता है जो कि फिक्सेटिव के साथ रिएक्ट करके एक जेल फॉर्म कर लेता है सो कीपिंग एवरी थिंग एज देअर इन वी वो रिलेशन टू ईच अदर तो उनका जो जैसा ओरिजिनल रिलेशन जो था टिश्यू का ऑर्गन के साथ में वैसा ही आफ्टर रिमूवल और इन इन्वॉल्विंग द फिकेटिव वो वैसा ही रहे तो ये केस जो है ये एम होता है एक फिक्सटिव का एक फिक्सेशन का नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्सेशन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं तो पी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो एसिडिक पी है बेसिक है और न्यूट्रल कंडीशन है ओके okay, टेम्परेचर जो है वो दैट इज़ वेदर इट इज़ हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पैनिट्रेशन और फिक्सिटिव की इजिली इमर्ज जो है हमने कर दिया लेकिन वो अच्छे से इमर्ज हुआ है जो हमारा सैंपल है टिशू का फिक्सेटिव के अंदर या नहीं ओके देन द वॉल्यूम ऑफ द टिशू की कितना वॉल्यूम जो है टिशू का यूज़ में लिया गया है वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फैक्टर्स वी कैन डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव एंड फिक्सेशन टाइम इन सारे फैक्टर्स को देख कर हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि भाई हमें कितना फिक्सेटिव यूज़ करना है और उसको कितने टाइम तक जो है वो फ़िक्स करना है देन बात आती है द टाइप ऑफ फिक्सटिव कौन कौन से फिक्सेटिव्स हैं जिन्हें हम यूज़ में लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिक एसिड है फोर्मेल डिहाइड है इथेनॉल है ग्लूट्रल डिहाइड है एंड मिथिनॉल है एंड लास्ट इज द पिकरिक एसिड वन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि एक नोटिसिंग में यहाँ पर है फॉर्मेलिन जो कि एक थर्टी सेवन परसेंट एक्व सोल्यूशन होता है फॉर्मेलडी का और उसको भी अलग अलग डाइल्यूशन के लेवल पर जो है और अदर केमिकल्स के साथ में और बफर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में यूज़ में लिया जाता है वो एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव जो है वो माना जाता है अब जैसे कि हमने फॉर्मेलिटी की बात करी तो फॉर्मेलिटी है वो भी एक सेल का जो है वो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो बनाए रखता है जो कि एक फिक्सिटिव का काम भी है और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं उनको भी बना के रखता है अब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स जो है उनको कैसे बना के रखता है बाई रिएक्टिंग विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो हमारे प्रजेंट हैं उनको वो रिएक्ट कर लेता है अपने जो अमीनो ग्रुप्स हैं उनके साथ में ओके okay. सो so, अब एक स्टैंडर्ड जो है सॉल्यूशन जो कि फॉर्मल का बनाया जाता है उसे बफर किया जाता है विद द फोस्पेट्स जिनकी पीएच होती है सेवन तो इट बेसिकली ये क्या है कि एक्ट करता है स्लोली मतलब ये फिक्सेटिव जो है वो स्लोली एक्ट करेगा लेकिन ये टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा अब पेनिट्रेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फिक्सेटिव में क्योंकि अगर पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं होगा सेल का स्ट्रक्चर सेट नहीं हो पाएगा उसके एक्सट्रा सेलोर जो है वो सेट नहीं हो पाएंगे तो उसके जो मोर्फोलॉजी है उसकी एनाटोमी में है उसमें डिफॉर्मेशन के चांसेज जो है वो बन पाते हैं लेकिन अगर हम एक लिमिटेशन की अगर हम बात करें फॉर्मेलिटी की तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली एक लिमिटेशन ये होती है कि ये लिपिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो ये सेल मेम्ब्रेन के केस के अंदर जो है वो एक पुअर फिक्सेटिव माना जाता है सेल मेम्ब्रेन के केसेस के अंदर जो है फॉर्मेलिटी को जो है रिकमेंड नहीं किया जाता सो दिस इज़ पार्ट वन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल मैथड्स नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ेंगे दैट इज़ एम्बेडिंग, क्लियरिंग डिहाइड्रेशन और ओवरऑल जो है पार्ट के अंदर जो है हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करेंगे सो ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग